और क्या, शुभ नाम बता। मेरा नाम सपना है। अभी आपने एक वीडियो बनवाई थी और कह के बनवाई थी कि भैया मैंने अपने भाई को ऐसे होते हुए देखा था। हाँ जी। आपको क्या प्रॉब्लम आई कि आप यहाँ आए? मेरे घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है। हाँ। पहले घुटने में दर्द हुआ था 4-5 साल पहले। ठीक है। क्या मैंने आपके घुटने छुए? नहीं। क्या छू के देखे? नहीं। क्या मैंने आपके घुटने दबाए? नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आपको कब से दर्द होता है? मेरे को भैया एक पैर में तो 5 साल हो गए। हाँ। लगातार दर्द है, ऑपरेशन बता दिया डॉक्टरों ने। हाँ। कि गद्दी टूट गई है पैर की। पैर की। और दूसरे को? और दूसरे में मैं पूर्णिमा वाला 3 महीने हो गए पूर्णिमा को। हाँ। रात को मैं सोई थी। हाँ। सुबह उठी तो बहुत मेरा मोटा पैर था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अटक रही है नीचे, चला नहीं जा रहा था। और उसके बाद मैं आपकी YouTube देखती थी 5-6 साल पहले। हाँ। जब मैं नॉर्मल थी। हाँ। तो मुझको लगता था कि जो लोग परेशान है तो मैं आपके पास भेजूं, ऐसा मन में रहता था। मन में रहता था। हाँ। भेजा किसी को नहीं? भेजा किसी को नहीं भैया, क्योंकि मेरे को रास्तों की कम नॉलेज थी। हाँ। और अब मेरे जैसे मैं आपके पास कल आई थी, क्या यकीन था कि मनु भैया ही ठीक आदमी है इस काम के लिए उपयुक्त? हाँ भैया, यकीन मेरा पहले जब से था, जब से आपकी मैंने YouTube पर देखा था तो मुझको लगता था कि जो कोई भी यहाँ जाएगा निराश नहीं होके आएगा। हाँ, ये लगता था। वो मेरा विश्वास था अंदर से। हाँ। तो कल मैं अपनी भाभी के साथ आई थी। हाँ। क्योंकि मेरे पैरों से नहीं बैठा जाता। हाँ। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे नंबर पे लग जाना। हाँ। और मैं आपके अच्छा, बैठ के देखना, बैठे तो ही नहीं भैया। मेरे को लेके पैरों में बहुत फर्क है, अभी मैं बैठ कर भी देख लूंगा। 70% फर्क है भैया। अच्छा, ये क्यों आ गया जब मैंने हाथ ही नहीं लगाया? तो आपने क्या किया, क्या आपने नारियल की प्रक्रिया की, क्या आपने यज्ञ किया या नहीं? मैं जो गोले आपने बताए थे यज्ञ किया? हाँ जी, हाँ जी। गोले डाले 11 गोले। 11 गोले डाले तो अभी जल गए आपके गोले या जलने लग रहे हैं? अभी जलने लग रहे हैं भैया, जलने लग रहे हैं। और आराम पड़ गया 70%। हाँ जी। मैं कहता हूँ यहाँ से जाओ, वहाँ घंटी बजा के आओ, 3 बार जय श्री देव बोल के आओ। चलो। कहाँ पर भैया? वो सामने मंदिर पे। अभी मैं भैया और भी बोलना चाह रही हूँ। हाँ बोल। तो फिर कल मेरी भाभी मेरे साथ आई थी। हाँ। तो उनको आपने खड़ा कर लिया कि मशीन से चेक कर रहे थे आप? हाँ। कि नजर दोष वगैरह जो भी था? हाँ। तो उनको आपने बोला कि 65% पितृ दोष आया आपका? हाँ। और मेरे भाई को रात को नींद में झटके लगते हैं, उन्होंने बहुत जगह दिखाया है। वो आपने पिछले वीडियो में बता दिया, और कल पहली बार वो ठीक से सोए बिना? हाँ, वो सो गए। तो मैं आज अपने हस्बैंड को और बच्चे को हाँ। लेकर आई हूँ भैया। हस्बैंड बच्चे नहीं आते? अगर वो नहीं भैया, ये विश्वास कम करते हैं, मैं ज्यादा करती हूँ। अच्छा। मेरे हस्बैंड और बच्चे आए दोनों, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मैं एक प्रण करती हूँ यहाँ पर सबके सामने और शनिदेव के सामने प्रण करती हूँ, प्रण प्रण करती हूँ। अच्छा, कि जितने भी लोग मेरी नजर में होंगे। हाँ। और मेरी पॉकेट के अंदर होगा लाने ले जाने का, तो मैं उनको सबको दिखाऊंगी भैया, यहाँ पर लाकर सबको दिखाऊंगी भैया। हाँ जी भैया, मैं आज यहाँ पर खड़े होकर बोलती हूँ इनके आगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी भैया। सबने छोड़ दिया था, जैसे एक कहते ना बेकार का सामान है। हाँ। तो आज मैं उनको दुख दर्द समझ रही हूँ। हाँ। मेरे दो काम वाली हैं, उनके भी पैर में दर्द है। हाँ। तो मैं उनको इसी हफ्ते लेके आऊंगी भैया। बहुत अच्छे, ये आपने बहुत उचित सोचा। और मेरा विश्वास है भैया, वो ठीक होके जाएंगी ना। होगा तो ठीक होगा ही ना, ये तो आपको पता चल गया ना भैया। मैं जिसको भी देखूंगी मैं लेके जरूर आऊंगी। मैं जो वो आने, अगर वो आने के लिए कहेंगे अपनी मर्जी से, मैं कोशिश करूंगी। हाँ, बताऊंगी उनको कि बताऊंगी। हाँ, और मैं अपनी गाड़ी से लेके आऊंगी भैया। ठीक है। अच्छा, पहले वहाँ फिर घंटी बजा के, पहले बाबा घंटे से प्रसन्न होते हैं। जय शनिदेव भी बोलिए। तीन तब तक मैं तेरे पर्स में चोरी कर लेता हूँ। हमारा जो होगा वो निकल जाए। चल चल। ये तो चली नहीं पा रही थी, अब तो दौड़ रही है मेरे ख्याल से। हैं? वैसी बस ऐसे ही चल रही थी क्या आपके साथ? ऐसे ही आई थी क्या चल के? परेशानी थी। अब आप ठीक चल रही है? हैं? आप खुश हुए? शनिदेव महाराज की जय, मनु भैया की जय।
हाथ तो नहीं लगाया बहन जी? नहीं, बिना हाथ लगाए भी काम किए जा सकते हैं, लेकिन हाथ से भी सेवा करनी चाहिए। बहनों की बहन समझकर, माता की माता समझकर, और सब बुजुर्गों की पिता समझकर, और भाइयों की भाई समझकर, क्योंकि हाथ की सेवा से आप पार उतर सकते हैं। ये जगत संसार जो है ये घेरा है 84 लाख योनियों का, और यहाँ से पार जाना ही जाना। आपने मेरे को जीवन दान दिया है, मैं ये कहती थी कि ये राधे रानी या तो मेरी सांसें रोक दो या मेरे को ठीक कर दो। हाँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, तो और ना जाने किस रूप में नारायण, ना जाने किस रूप में मिल जाए नारायण, तो मनु भैया नारायण मिल जाए मिले। हाँ, नारायण मतलब हमारे गांव में एक ताऊ जी है हमारे, नारायण है ना, और मैं मेरी शक्ल उनसे मिलती जुलती है, और लोग कहते भी हैं अग भैया आप तो मनु भैया बेटे तो किसी और के हो, बेटे तो डॉक्टर साहब के हो, और लगते नारायण जैसे हो, है ना। हाँ, तो ये बात हो गई। बोल दो जय शनिदेव। जय शनिदेव। खुश रहो, अब कितना आराम है भैया? थोड़ा सा आगे तो दर्द है अभी आऊं भैया, लेकिन अगर पूरा आराम भी पड़ जाएगा ना आज, मैं तब भी आऊंगी भैया आपके यहाँ पे। पक्का? माँ कसम, शनि धाम की कसम। अच्छा ठीक है, आऊंगी भैया मैं। माँ कसम क्यों नहीं खाई भैया? क्योंकि कहते हैं ना जो जीवन देने वाला होता है उन्होंने तो मेरे को जन्मदाता रही है मेरी। हाँ। लेकिन आज इन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया है। बहुत अच्छे, तालियां बजा दो। इसका मतलब ये बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, और इन्होंने कहा भी था मुझे अभी थोड़ी देर खड़े होके, पहले कहा था कि मैं जीवन पे जैसे बोझ हो गई हूँ, सबने जैसे लताड़ ही दिया ऐसे। भैया मैं ये कहती थी पूजा करते टाइम, मैं राधा रानी को बहुत मानती हूँ कि राधे रानी या तो मेरी सांसें रोक दो और या मेरे को ठीक कर दो, मेरे को आपका हर फैसला मंजूर है। हाँ, दोनों फैसले मंजूर। हाँ जी। तो उन्होंने ठीक कर दिया? हाँ जी, सांसें नहीं रोकी। हाँ जी। वैसे आपने कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था? मैंने परमानंद में दिखाया है। हाँ, ये कहाँ, दिल्ली में है? तो दिल्ली में जी। हाँ, हम दिल्ली से आए सादरा से। अच्छा, और? और मैंने गंगाराम में दिखाया था जी। हाँ। और BLK करोल बाग में है जी वो। अच्छा, वो कपूर कपूर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, और BL कपूर में भी दिखाया था जी। हाँ हाँ हाँ। और आसपास मेरी फिजियोथेरेपी। अच्छा, इनमें कितना पैसा लग चुका होगा? अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी? नहीं, मैं फिजियोथेरेपी के लिए उतर नहीं पाती थी, स्टेयर नहीं उतर पाती थी, तो उन्होंने 72,000 रूपए लिए थे मेरे से 2 महीने के फिजियोथेरेपी करवाने के, घर पे ही। हाँ जी, वो 2 टाइम आते थे। अच्छा, बहुत बड़ी बात। मैं वाकर लेकर चलती थी लैट्रिन बाथरूम के लिए भी। हाँ, फिर वाकर छूट गया फिजियोथेरेपी? हाँ जी, फिजियोथेरेपी से छूट गया, कुछ मेहनत हुई उसकी। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। हाँ, फिर मेरे दूसरे पैर में दिक्कत हो गई। वाकर नहीं है आपके पास? नहीं। क्या लेके आए थे आप, कैसे आए थे? तो क्या ऐसे ही चल रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, मैं ज्यादा, मेरे को कोई कह देता था नहीं सामान पकड़ा दे, तो मुझको बड़ा चिड़चिड़ापन आता था। हाँ। क्योंकि पैर इतना मोटा सूज के हो गया था। नहीं, आज की क्या हालत थी? आज तो आपने ये तो कहा मैं 70% आराम है। हाँ, लेकिन ये नहीं बताया कि आप ऐसे चल पा रही थी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी भैया। तो आप आई कैसे? मैं गाड़ी से आई हूँ अपनी से। हाँ, और वहाँ से इनका हाथ पकड़ के आई हूँ अपने हस्बैंड का। मतलब बिना आदमी का हाथ पकड़े आप चल नहीं पा रही थी? मतलब लंगड़ा लंगड़ा के चलती थी, गिर ना जाऊँ कहीं। अच्छा, इसलिए पकड़ना जरूरी? हाँ जी, हाँ जी, सहारे की जरूरत थी। आपकी नाक के नीचे पसीना कैसे आ गया? भैया मोटे आदमी को गर्मी ज्यादा लगती है ना? नहीं, मोटे को गर्मी ज्यादा लगती है, ये आदमी की जहाँ ऊंचे होती है वहाँ गर्मी कैसे लगती है पता नहीं भैया। अच्छा, बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। खुश रहो, सदा सुखी रहो, और सदा जवान भी रहो। शनिदेव महाराज ऐसा आशीर्वाद दे आपको, आपका कुछ वजन भी घटे, ताकि आप बहुत स्वस्थ कर तरीके से भाग ले, दौड़ ले, और अपने घर के काम कर ले, घरेलू काम कर ले। भैया जी, जैसे मैं आप गीत सुनाना चाहती है? भैया नहीं जी। और भैया जैसे मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, जैसे आप बैठते हैं गद्दी पे। हाँ।